गाइस, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, जिसमें आपको मैं डॉक्टर रशेल के प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू दूंगी कि ये प्रोडक्ट्स आपको बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और ये किस स्किन टोन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और किसकी स्किन टोन ऐसी है कि जो इसको बिल्कुल भी बाय मत करें, अपने पैसे बिल्कुल वेस्ट मत करें। तो चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपनी क्लिंजर की तरफ। ये डॉक्टर रशेल का फेस क्लिंजर है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें मेकअप रिमूवर भी है, फिर डार्क स्पॉट भी है, वाइटनिंग प्योरीफाई स्किन का भी ये हमें काम देता है। इस क्लिंजर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत थिक टाइप है, ठीक है, जो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है। जैसे कि फॉर्मिक जेल है ना, ये फॉर्मिक जेल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी स्किन में एक वाटर जैसे सॉप की तरह झाग बनती है, वो इस तरह ये आपको प्रोवाइड करेगा। और ये आपकी स्किन पे जितनी भी डर्ट है, जितनी भी स्किन पे आपका ऑयल है, सब रिमूव हो जाएगा। और मेकअप रिमूवर के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसका ये क्लेंजर 1000 से आप बाय करें भी और नहीं भी, क्योंकि इसकी नस्बत आपको बहुत सारे मार्केट में क्लिंजर जो है वो कम प्राइस में भी मिल जाएंगे, जो आपकी स्किन में बहुत आपकी स्किन को सूट भी करेंगे। और ये उनके लिए मैं उनको कहूँगी, रिकमेंड करूँगी जिनकी स्किन ड्राई है, ऑयली स्किन वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक आप हम इसको यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, वाइटनिंग का जब हम नाम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमें वाइटनिंग प्रोवाइड करेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वक्ती तौर पे जब इसके साथ आप अपना फेस वॉश करेंगे तो ये आपको एक वाइटनिंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन आपको एक वाइट इफेक्ट देगा, और वाइट इफेक्ट आपको अपनी स्किन पे फील भी होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने सीरम की तरफ, वाइटनिंग फेड स्पॉट सीरम। ये जो है आपकी रिड्यूस पिगमेंटेशन को करता है, फेड डार्क स्पॉट ख़त्म करता है, और स्मूथ वाइट स्किन प्रोवाइड करता है। ये जो है फुल्ली मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन पे, जितने भी पिगमेंटेशन, जितनी भी आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है उसको ख़त्म करेगा। आपकी स्किन पे कोई डार्क स्पॉट है, एक्नी के निशान है, तो वो इजीली थोड़ा टाइम लेगा। कोई भी आप प्रोडक्ट्स महंगी से महंगी आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे, इसको बाय करेंगे, तो वो एकदम से आपकी स्किन पे जादू तो नहीं करेगी, वो थोड़ा सा टाइम लेगी, स्लो स्लो आपकी स्किन अच्छी होना स्टार्ट होगी। तो ये मेरी तरफ से फ्यूली रिकमेंड है ऑल स्किन टाइप के लिए, जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी ड्राई स्किन है, वो इसको ज़रूर यूज़ करें। ये इसका बहुत ही बहुत 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 फ़ायदे हैं, ये आपकी स्किन को ज़रूर अच्छा करेगी। इसको आप नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ऑयलीनेस नहीं है, ग्रीसी नहीं है, कि जैसे बाकी आप जितने भी सीरम यूज़ करें तो आपकी स्किन को थोड़ा थोड़ा मॉइस्चराइज कर देते हैं, ये बिल्कुल भी इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, कंसिस्टेंसी थोड़ा वाटरी टाइप है, ये देखें कितने अच्छे से आपकी स्किन में ये ऑब्जर्व हो जाता है। तो ये फ्यूली रिकमेंड है ऑल स्किन टाइप के लिए। उसके बाद हम चलते हैं वाइटनिंग नाइट क्रीम की तरफ। वाइटनिंग नाइट क्रीम कुछ इस तरह से है कि ये आपकी स्किन को इवन स्किन टोन वाले जो है उनकी स्किन टोन को अच्छा करती है, रिड्यूस डार्क स्पॉट करती है, नरिश एंड रिपेयर आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लाइक मॉइस्चराइज़र की तरह है। आप मॉइस्चराइजर कोई भी अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइजर यूज़ कर लें या इसको यूज़ कर लें, इसकी कोई ख़ास जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मुझे कुछ नज़र नहीं आए इसकी नस्बत सीरम के। तो ये जिनकी स्किन बिल्कुल ड्राई है वो इसको ज़रूर यूज़ करें, लेकिन जिसकी स्किन ऑयली है वो इसको बिल्कुल भी उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये इसकी क्या आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये मॉइस्चराइज़र की तरह है। आपको इसको यूज़ करने के बाद आपको अपनी स्किन पे कुछ ही 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद ऑयल फील होगा, तो आपकी स्किन को बिल्कुल भी आपकी ऑयल जिनकी ऑयली स्किन है उनकी स्किन में बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं होती अच्छे से। तो ये मैं ड्राई स्किन वालों को रिकमेंड करूँगी, ऑयली स्किन वालों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। तो चलते हैं हम अपनी वाइटनिंग डे क्रीम की तरफ। वाइटनिंग डे क्रीम जो है वो एक हिसाब से अच्छी भी है, जिनका स्किन टोन अच्छी है, जिनका फेस का कलर जो है वो थोड़ा ब्राइट है, जिनका जो नॉर्मल फेस का कलर है वो इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि वो इसको यूज़ करेंगे तो वो एक वाइटनिंग इफेक्ट दे देता है, जो आपकी स्किन पर बहुत ओवर सा लगता है कि आपने कुछ फाउंडेशन लगाई हुई है, कुछ भी स्टिक्स वगैरह यूज़ की हुई है। तो ये उनके लिए है जिनकी स्किन का कलर बहुत अच्छा है। तो ये मैं आपको यूज़ करके बता देती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी मेरे मुँह से वर्ड भी नहीं निकला, कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से कि आपकी स्किन पे वाइट इफेक्ट छोड़ जाता है। ये आप
इसको यूज़ करने के बाद आप ये मत सोचिए कि वाइटनिंग किट है तो आपका फेस का कलर बिल्कुल आप वाइट हो जाएंगे, ये आपको बहुत अच्छा कर देगा। ये जस्ट आपको ऑन द स्पॉट आपको वाइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये मेरे ख्याल में ये ड्राई स्किन वालों के लिए ये किट जो है बहुत अच्छी प्रूव होगी, इनकी निस्बत ऑयली स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं इसका जो रिव्यू आपको फुल बॉटल यूज़ करके दे रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सब प्रोडक्ट्स के फुल बॉटल्स यूज़ किए हैं, उसके बाद मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। जिनकी स्किन कलर अच्छा है वो इसकी डे क्रीम भी अलग से बाय कर सकते हैं। बाकी जो जिनकी स्किन पे डार्क स्पॉट हैं, एक्ने के निशान हैं, तो वो इसका सीरम ज़रूर बाय करें। तो ये है डॉक्टर रैशल की वाइटनिंग किट का रिव्यू। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।